ये पीएचडी करने वाले लड़के लड़कियां ये पकौड़ा तलने को रोजगार नहीं मानेंगे। सम्मानजनक रोजगार नौजवानों को अगली पीढ़ी को देना होगा, इस बात के लिए चुनाव है। और जो लोग पकौड़ा तलने की बात करते हैं उनको पकौड़ा तलने के लिए भेज दीजिए इस बार के चुनाव में। ये चुनाव इस बार का इस बात को तय करने के लिए है कि देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचा गया संविधान रहेगा कि नहीं रहेगा। ये चुनाव इस बात को तय करने के लिए है कि देश की खेती किसानों के पास रहेगी या कॉरपोरेट के पास जाएगी। इस बात का फैसला होना है इस चुनाव में कि सरकारी नौकरियां रहेंगी कि सारा कुछ मोदी जी कॉरपोरेट को बेच देंगे, ये तय करना आपको है। आर पार का चुनाव है, ये इस बात को तय करेगा चुनाव। अभी होली बीती है और ईद आने वाली है, देश प्रेम से चलेगा या नफरत से चलेगा ये तय करने के लिए चुनाव हो रहा है। और पार्लियामेंट में इंडिया गठबंधन की ताकतें जीत के जाती है तो निश्चित रूप से हमने जो नारा दिया था बॉर्डर खेत खेती किसान की न कि कॉरपोरेट बेईमान की, तो खेती देश की किसानों के हाथ में रहनी चाहिए। ये पीएचडी करने वाले लड़के लड़कियां ये पकौड़ा तलने को रोजगार नहीं मानेंगे। सम्मानजनक रोजगार नौजवानों को अगली पीढ़ी को देना होगा, इस बात के लिए चुनाव है। और जो लोग पकौड़ा तलने की बात करते हैं उनको पकौड़ा तलने के लिए भेज दीजिए इस बार के चुनाव में। ये चुनाव इस बात के लिए है, ये चाहते हैं महंगाई बढ़ा करके आम जनता से टैक्स वसूलना। कॉर्पोरेट का टैक्स माफ कर रहे हैं, कॉर्पोरेट का कर्जा जो है बैंक में लिया हुआ, जनता का गाड़ी कमाई का पैसा बैंक में जमा किया हुआ और 18 लाख करोड़ माफ कर दिया। अडानी का अंबानी का कॉर्पोरेट का जो अमीर है देश के उनका कर्जा माफ कर दिया और आम आदमी से पैसा वसूल रहे हैं। लास्ट पर जीएसटी लग रहा है, आटा पर जीएसटी लग रहा है, बच्चों की किताब पर जीएसटी लग रहा है, आम आदमी के जेब को वो खंगाल रहे निचोड़ रहे उनको, ये नहीं चलेगा। अमीरों को बचाओ गरीबों को लूटो ये धंधा इस देश में नहीं चलेगा। इसलिए इस बार मजदूरों को किसानों को नौजवानों को महिलाओं को दलितों को पिछड़ों को मिल करके इस बार कॉर्पोरेट कंपनी प्रस्त इन ताकतों को शिकायत देना है, मोदी जी को अब फुर्सत देना है कि जाइए और बैठ करके अपने घर में बकवास करते रहिए। देश को फुर्सत नहीं है आपकी बकवास सुनने का। हिंदुस्तान को जो अंबेडकर ने बनाया था, जो गांधी ने बनाया था, जो लोहिया ने बनाया था, जो वामपंथी नेताओं की शहादत से भगत सिंह से बनाया था, हम उस देश की हिफाजत करेंगे। हम ही ने अंग्रेजों को भगाया था, आजादी दिलाई थी और आप आज भी इस देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, तो देश किसी की बकौती नहीं है। ये है तो देश है, देश का संविधान है तो देश है। इसलिए इस बार का चुनाव बहुत गहरा चुनाव है, गंभीरता से है और पूरा तालमेल हमने बिहार में और देश में बनाया है। आजादी की लड़ाई की तमाम ताकतें सोशलिस्ट कम्युनिस्ट कांग्रेसी सारे लोग एकजुट हुए हैं फिर से और फिर ये एकता बनी है। हम समझते हैं कि बिहार के एक एक सीट पर देश के एक एक सीट पर एनडीए को पराजित करना है, इंडिया गठबंधन को विजय बनाना है और औरंगाबाद सीट पर भी अभय कुशवाहा जो युवा है इस सीट को भाजपा से मुक्त करना है। औरंगाबाद में दुकानें लहराई जाती है, फूंक दिया जाता है, माहौल बनाया जाता है, इसलिए कि भाजपा के सांसद हैं। हम कहना चाहते हैं औरंगाबाद अब चैन से सोना चाहता है, निश्चिंत होना चाहता है,
भाईचारगी चाहता है, प्रेम चाहता है, ये बर्बादी नहीं चाहता है। कुर्सी खाली करो, जनता आ चुकी है, जनता आ रही है आपको। आज ये नॉमिनेशन की सभा है, शुरुआत है, गांव गांव जाना है, एक एक घर को, गरीब से गरीब घर को अपने साथ मिलाना है, खाना है उसके यहाँ, बैठना है। विपक्ष के अकाउंट को सीज कर रहे हैं, हम नहीं आपसे कुछ ज्यादा बात करेंगे, और कई वक्ता है, हम कहेंगे कि आपको घर घर से धन इकट्ठा करके विपक्ष को जो हासिल करने के लिए इसमें देना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।